So back to what I was saying. Could be us. तो ही व्हाट्सअप गाइस, हम लोग आ चुके हैं वीडियो के साथ। तो आप लोगों ने थंबनेल और प्रीव्यू भी देख लिया होगा जो हमारे किस टॉपिक पे वीडियो होने वाली है। तो जैसा है कि आप लोगों को मैंने स्टोरी भी लगाया था, स्टोरी पे आप लोगों ने मतलब उस पर बहुत सारे मतलब बंदे कह रहे थे ऋतिक भाई जैसा, मतलब आप ट्यूटोरियल लेके आते क्यों नहीं हो भाई, ये बैकग्राउंड और शेक इफेक्ट कैसे क्या कैसे करते हैं ये लोग। तो भाई मैं सिंपली आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ, तो ज़्यादा देरी हुई तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, उससे पहले आपको जो ऐप लगेंगे वह है कैपकट एंड VN ऐप, तो और प्रिक्यूल ऐप, ये आपके तीन ऐप लगेंगे और ये इंस्टॉल होने चाहिए आपके इस फ़ोन में और वगैरह। ये प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, बस कैपकट को छोड़ के एंड उसे क्रोम से आपको इंस्टॉल करना होगा। एंड जो iOS वाला है उसको मैंने टॉपिक बता रखा है वीडियो, तो उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो उससे पहले फर्स्ट आप लोग प्रीव्यू देख लो, ये वाला हम करने वाले हैं जो कि आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, ये वाला प्रीव्यू देख रहे हो, तो इसका वाला हम करने वाले हैं वीडियो एडिटिंग। फिर चलते हैं, ज़्यादा देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे आपको ओपन कर लेना अपना VN ऐप, फिर यहाँ से आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है एंड न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और जो एंड आपने जो वीडियो थी आपकी एंड उसे अपने को ले लेनी है। तो मैं सिंपली अपने दोस्त की एक वीडियो क्लिप ले रहा हूँ तो मैंने ले लिया एंड क्लिप लेने के बाद देखिए जब अपना क्लिप आ जाए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्लिप आ जाए एंड इसके बाद अब आपको क्या करना है, देखो जैसे ओरिजिनल पे क्लिक करना है एंड 9:16 पे क्लिक कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद अब आपकी जो क्लियरिटी रहेगी मतलब पीछे का जो स्काई वगैरह लगाना होगा आप आसानी से लगा सकते हैं। अब सिंपली देखो फर्स्ट पे जो मैंने आपको दिखाया था दुग 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 जो ऐसे बीट के ऊपर आता है ढोल वाला जो बजता है, तो सिंपली मतलब अपने को यहाँ तक कट कर लेना, ठीक है। अब जैसे यहाँ तक कट कर लिया, अब ये जो हमारे इतने बीट हमारा ये है स्लोमो करना है। अब इसको स्लोमो कैसे करना है देखो, ये जो हमारा इस पर है ना, उस पर टाइप करना है आपको वीडियो पे एंड स्पीड वाले ऑप्शन पे चले जाना है एंड रेगुलर पे चले जाना है एंड इसको कर देना है 0.1x पे कर देना, ठीक है। अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो आप लोग 5.0 भी रख सकते हो, ठीक है। इतना रखने के बाद एक बार वीडियो देख लो एंड ये हो गया आपका स्लोमो, ठीक है। इतने आपका ऐसे जैसे आपका स्लोमो हो गया, ठीक है, जैसे आपका बीट दुक 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 जो भी आता है एंड इसके बाद अब आपको इसको डबल लेयर बना लेना है जैसे हमारा ये वाला क्लिप है एंड इसके ऊपर टाइप करने के बाद एंड इसको बना लेना डुप्लीकेट लेयर, ठीक है। एंड ये वाला जो ऑप्शन है हमारे इधर वाला पास्ट है पार्ट है, अब इसको कर देना है हम फॉरवर्ड, फॉरवर्ड पर क्लिक करते हैं, इसको साइड में ले जाना है कॉर्नर पर, ठीक है। कॉर्नर पर ले जाने के बाद अब इसका जो वैल्यूम है, पहले हमें वैल्यूम कम कर लेनी है, ठीक। वैल्यूम कम करने के बाद अब इसको जो ये वाला है इसे हल्का सा जूम कर लेना है, जूम करने के बाद एंड एनिमेशन पे क्लिक करना है। देखो देख लो मैं बताता हूँ, एनिमेशन आपको एरो दिख रहा होगा, एनिमेशन वाले पे क्लिक करना है एंड लुक एनिमेशन पे लास्ट पे चले जाना है एंड इधर जाओगे तो इधर आपको दिख जाएगा, मैं आपको एरो दिखा रहा हूँ तो आप लोग एरो भी देख सकते हो, तो इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस वाले पे जो आपको ब्रेथलेट पे दिख रहा होगा, ठीक है, इस पर आपको देख कर लेना है, ठीक। इस पर क्लिक कर लोगे तो आपको देख लो ऐसा देखने को मिलेगा, तो ऐसे मतलब मैं क्या ही बताऊँ, आप इसको जूम ज़्यादा ही कर सकते हो ना, जूम कम करोगे ना तो वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी अच्छी लगेगी, तो देख लो एक बार ऐसे लगेगी, ठीक है। मतलब ज़्यादा ही जूम हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, एकदम बराबर पे रखेंगे, आपने देख लिया होगा उस पर ही, तो उस पर धुप धुप जो भी होता है एनिमेशन तो आपने ऐसा देखा होगा, ठीक है। ये होने के बाद धुप एकदम आ गया हमारा ये एनिमेशन। अब पीछे हमारे बैकग्राउंड में जो लगाना है, ठीक है, जो शेक आते हैं एकदम शेक, वो कैसे करना है एंड यहाँ पे आपको लगाना है शेक बैग, तो शेक के लिए मैंने आपको बताया रखा है कैसे वीजी लुप्सी कहाँ से डाउनलोड करना है क्या करना है, तो आप करके आप लगा सकते हैं। तो मैं सिंपली और कुछ लेने के बजाय मैं और कुछ बता रहा हूँ आपको, तो मैंने सिंपली स्काई का लिया है। देखो क्योंकि भाई लोग मैं वैसे बता नहीं पा रहा ना, तो अभी मैं कहीं जा नहीं रहा, इसीलिए मैं आप लोगों को ऐसे एग्जांपल के लिए मैं अपना अपना थोड़ा थोड़ा एक एक पार्ट दे, तो मैंने सिंपली स्काई का लिया है। देखो क्योंकि भाई लोग मैं वैसे बता नहीं पा रहा ना, तो अभी मैं कहीं जा नहीं रहा, इसीलिए मैं आप लोगों को ऐसे एग्जांपल के लिए मैं अपना अपना थोड़ा थोड़ा एक एक पार्ट दे, किसी का पार्ट लेके ऐसे बता रहा हूँ, मैं किसी से वीडियो मांग मांग के आप लोगों के वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग यार प्लीज़ एक लाइक या सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। 10K पे अपना सॉन्ग आ रहा, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसके बाद ये आपने सेट कर दिया, अब सेट करने के बाद अब सीधा लास्ट के ऑप्शन पे जाना है एंड यहाँ पे दिख जाए ब्लेंडिंग का ऑप्शन, जैसे कि मैंने बताया आपको मल्टीपल पे क्लिक कर देना है,
मल्टीप्ले पे क्लिक करने के बाद इसको कम मत करना, एकदम फुल रहने देना। टिक करने के बाद एक बार वीडियो आप लोग देख सकते हो, आई होप कैडी लगेगी तो देख लिया होगा आपने। जैसे वहाँ पे दुब दुब हो के फिर यहाँ पे एकदम एकदम जैसे आपका शेक आता ही हो जाता। अब इसके बाद अब आपको क्या करना है, प्रोसेस देखो। जैसे आपका सॉन्ग यहाँ तक ख़त्म हो गया, ठीक है, यहाँ तक ख़त्म हो गया, जैसे हमारा ये 15 सेकंड का है। अब इसके बाद यहाँ से आपको अभी इसे क्लिक कट कर देना है, इसको भी इसी के बराबर का कट करके लास्ट का ऑप्शन डिलीट कर देना है, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद अब आपका जो काम आता है मेन, अब वो मेन काम आता है आपका उसमें क्या कहते हैं कैप कट में। तो कैप कट के लिए हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से कर लेंगे इंस्टॉल, सेव कर लेंगे एंड एक्सपोर्ट कर लेते हैं वीडियो। तो सिंपली अब आपको चले जाना है, कैपकट ओपन कर लेना है। तो इसके लिए कैपकट के लिए मैंने बता रखा है, पहले आपको लगाना होगा डेली वीपीएन जो कि मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ। एंड अब इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब इसके बाद अब आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है एंड जो आपने वीडियो क्रिएट करी थी तो आप उसको आप एंड यहाँ पे ले सकते हैं। एंड इसके बाद जैसे आपने वहाँ पे सेव करा था, मतलब मैंने तो सेव नहीं करा, आपको जल्दीबाजी में बता रहा हूँ क्योंकि VN में मतलब मैं 4K व्यू वो करता हूँ तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसीलिए मैंने कट कर दिया। और यहाँ से आपको वैसे समझाने के लिए ले रहा हूँ, जो शेक इफेक्ट हमारा एकदम स्लाइड से एकदम आता है तो वो कैसे आता है, वो ऐसे आता है, मतलब इसके ऊपर टाइप कर देना आपको नॉर्मली। एंड बाद अब आपको क्या करना है, अब इसके बाद ये जो लेफ्ट वाला हमारा वीडियो है इसके ऊपर टाइप करना है एंड एनिमेशन पर क्लिक करना है एंड कॉम्बो पे क्लिक करना है। देख लो मैं जिस जैसे स्टेप बता रहा हूँ आपको ऐसे करना है। एंड यहाँ पे दिख जाएगा आपको स्लाइड एंड वाइब, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऐसा आ जाएगा एंड इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आ जाएगा एंड ये करेंगे लेंगे ये आ जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, मगर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भी करते हुए जाना है। आपको हार्ड ट्यूटोरियल मिलती रहेंगी इस चैनल पर और इस चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर देना, तो मिलते हैं नए नए वीडियो के साथ। तो ऐसे ही तो सिंपली देखो एक बात और ध्यान रख लेना, आपको बस VPN लगा लेना है। VPN लगाओगे जब ही आपका ये चलेगा। तो जैसे कि आपके यहाँ पे आया बीट, ये क्या ही रॉक स्टार लग रहा तेरा भाई, तो मतलब जैसे आपने देख लिया तो ऐसे ऐसे हार्ड ट्यूटोरियल मिलते रहेंगे। जैसे आपने VN में वहाँ पे जैसे मैंने प्रोसेस समझाया आपको, वैसे सेम पिच वैसे वहाँ पे कंप्लीट करने के बाद स्पोर्टिंग करने के बाद अब आपको सीधा कैपकट में लाना है। एंड कैपकट में लाने के बाद जहाँ जहाँ आपको बीट दिख रही है आपको ऐसे ऐसे शेक कर लेना है। एंड एनिमेशन पे आप इसका मतलब डेकोरेशन वो भी कम कर सकते हैं, आप लोगों को कितना रखना है इतना रखना है, आप लोग इतना भी रख सकते हैं। एंड जैसे आपकी बीट यहाँ तक आई यहाँ तक आप रख सकते हैं एंड यहाँ तक आए फिर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मतलब आपको ऐसे स्प्लिट पे ऐसे क्लिक कर देना है, फिर इसको बताया आप कॉर्नर पे स्प्लिट इस पर क्लिक कर देना है एंड इस पर जाना है, एनिमेशन पे जाना है एंड कॉम्बो पे जाना है एंड ये भी रख लेना है, ठीक है। एंड लास्ट वाले पे जाना है ऐसे ही कर देना है, बस आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जो लास्ट का आएगा इसे डिलीट करके एंड एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। एंड एक्सपोर्ट करना है आपको 60 फ्रेम बनाना है एंड 1080p एंड एक्सपोर्टिंग पे क्लिक कर देना है, बस वो आपकी वीडियो एक्सपोर्टिंग हो जाएगी। एंड जब आपकी वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाए दोनों चीज़, तो आप लोग की वीडियो ऐसी कुछ बनेगी। बनने के बाद फिर आप लोग इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दो, टैग कर दो मुझे, अगर अच्छी लगी तो मैं स्टोरी लगाऊंगा और लाइक शेयर कमेंट सब कुछ होएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए जय हिंद जय भारत।